चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या इसमें डालते हैं ये भाई साहब। और ब्रेड के ऊपर हरी चटनी और लाल चटनी लगा दी है, और उसके ऊपर मक्खन लगाया इन्होंने, और फिर ककड़ी रखा है। फिर उसके ऊपर ये आलू बटाटा काट के डाल रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं ये, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही बेस्ट और स्वादिष्ट सैंडविच ये बनाते हैं। और इसके साथ में इन्होंने बटाटा डाल ही दिया था, फिर उसके ऊपर कांदा डाल रहे हैं, देख सकते हैं साफ साफ दिख रहा है, कांदा डाल रहे हैं अभी, और देखते हैं आगे क्या करते हैं ये। और इसके ऊपर काला नमक लगा रहे हैं, छिड़क रहे हैं, और देख सकते हो काला नमक के साथ दिख रहा डाल है। देना भाई, हाँ। और इसके ऊपर देख सकते हैं टमाटर काट काट के सजा रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या डालते हैं। फिलहाल वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और फिर देखते हैं आगे क्या डालते हैं। और ये रहा चुकंदर, और कोई कोई शलगम कहता है इसे, और आप क्या बोलते हैं इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना। ये उसके ऊपर चुकंदर लग रहा है, और देखते रहिए। इसके बाद इन्होंने पत्ता गोभी का कटिंग डाल दिया, और फिर उसके ऊपर शिमला मिर्च, और उसके दोनों के ऊपर शिमला मिर्च डाल दिया इन्होंने, फिर उसके ऊपर काला नमक लगा रहे हैं, और देखते हैं क्या क्या करते हैं ये। काला नमक होने के बाद में देख सकते हो ब्रेड के ऊपर भी इन्होंने मक्खन लगाया, मक्खन दोनों ब्रेड में लग गया, दोनों ब्रेड में लाल चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट है लाल चटनी। और ये रहा दोनों के ऊपर लग गए, और फिर मक्खन इन्होंने लगा दिया। ये रहा भट्टी के जो भी जिसमें वो गर्म करते हैं, देख सकते हैं दोनों को एक साथ डाल दिया, एक गर्म होके निकलने वाले हैं 2 मिनट के बाद। तब तक वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा निकल के आ गया, और कटिंग भी हो गया, देख सकते हो प्लेट के ऊपर पेपर, फिर उसके ऊपर सैंडविच, फिर ये हरी चटनी, लाल चटनी, और ये रहा टमाटर का सॉस। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और सोफे से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके इधर आप मैं अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।